शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर दौरे पर रहे, जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा की और सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की समीक्षा बैठक आज की गई है और उसमें तीसरी लहर की तैयारी भी की गई है। पूरे प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं और प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार और कोरोना में 15-15 महीने विकास की नजर से बर्बाद हुए हैं। यादव साहब, दरअसल 15 महीने माने डेढ़ साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों के हो गए थे, एक कोरोना में एक कमलनाथ में। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना ने भी। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए थे, वो वल्लभ भवन से निकले ही नहीं। आ रहे थे वो इंदौर, मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा। इसी के साथ कॉन्फ्रेंस में नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा करते हुए कहा कि बंगाली ब्रिज का नाम अब माधव राव सिंधिया सेतु रखा जाएगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।